पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर चुकी आनंदीबेन पटेल ने यूपी राजभवन प्रदेश की दूसरी महिला राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गोविंद माथुर ने उनको पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। उनके शपथ ग्रहण समारोह में निवर्तमान गवर्नर राम नाईक के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता आनंदीबेन पटेल ने राजभवन में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। मैं आनंदीबेन पटेल ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं श्रद्धा पूर्वक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के कृत्य का निर्वहन करूंगी तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगी। वो प्रदेश के 34वीं राज्यपाल और उत्तर प्रदेश का गठन होने के बाद 25वीं राज्यपाल हैं। आनंदीबेन पटेल अमौसी एयरपोर्ट पहुंची, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत मंत्रिमंडल के सदस्यों ने स्वागत किया। इससे पहले उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद राजभवन में इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गोविंद माथुर ने शपथ दिलाई। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा समेत सरकार के कई मंत्री शामिल हुए। उत्तर प्रदेश का गुजरात से खास नाता है। आजादी के बाद यूपी नाम होने पर यहाँ के पहले राज्यपाल केएम मुंशी का भी गुजरात से नाता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गुजरात से हैं और यूपी के वाराणसी से सांसद हैं। इस तरह आनंदीबेन पटेल के राज्यपाल पद नियुक्त होने से गुजरात से यूपी का रिश्ता और गहरा हो गया है। कौन है आनंदीबेन पटेल? गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री रही। साल 1998 से गुजरात की विधायक बनी। गुजरात की राजनीति में लौह महिला के रूप में जानी जाती हैं। जनवरी 2017 में मध्य प्रदेश की राज्यपाल नियुक्त हुई। साल 1998 से 2014 तक गुजरात सरकार में कई विभागों में मंत्री रही। राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त सप्ताह देने के लिए राम नाईक ने आनंदीबेन पटेल को धन्यवाद दिया। राम नाईक ने राजभवन में आनंदीबेन पटेल का स्वागत किया। इससे पहले उन्हें राज्यपाल के रूप में एक अतिरिक्त सप्ताह का बोनस देने के लिए धन्यवाद दिया। ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह के दौरान एक हल्के फुल्के पल में नाईक ने कहा कि उन्हें समारोह में शामिल होने के लिए आनंदीबेन पटेल को धन्यवाद देना चाहिए। अब नए राज्यपाल की भूमिका में श्रीमती आनंदीबेन पटेल कल यहां पर आएगी, उनकी शपथ ली जाएगी और इसलिए 7 दिन का बोनस मुझे मिला। मैं प्रसन्न हूं एक दृष्टि से कि यह कार्यक्रम देखने का अवसर मुझे मिला। मैं आनंदीबेन पटेल को धन्यवाद देना चाहता हूं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 20 जुलाई को बड़ा फेरबदल करते हुए आनंदीबेन पटेल को उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया था। यूपी के अलावा पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, बिहार और नागालैंड में भी नए राज्यपाल की नियुक्ति की गई है। मध्य प्रदेश में आनंदीबेन पटेल की जगह लालजी टंडन को गवर्नर बनाया गया है, जो इससे पहले बिहार के राज्यपाल थे। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता स्निग्धा रितेश जुड़ चुकी है। स्निग्धा, आनंदीबेन पटेल ने शपथ ले ली है कल, इससे पहले वो पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं गुजरात की, मध्य प्रदेश की राज्यपाल भी रह चुकी हैं, उनको आयरन लेडी भी कहा जाता है। क्या कुछ चुनौतियां उनके सामने आने को देखने को मिलेंगी? देखिए,
आयरन लेडी उनको कहा जाता है, तो चुनौतियों को वो उस तरीके से नहीं लेंगी। चुनौतियों का सामना करने के लिए वो पूरी तरीके से पुरजोर तरीके की कोशिश करेंगी। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि उनके उपलब्धियों में एक ये अध्याय भी जुड़ गया है कि वो उत्तर प्रदेश की दूसरी महिला राज्यपाल है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के इतिहास की, तो पहली महिला जो बनी थी राज्यपाल वो सरोजनी नायडू थी, जो कि आजादी के समय की बात है, उसके फौरन बाद ही 70 साल पहले की बात मैं बता रही हूँ। तो सबसे पहली जो राज्यपाल बनी थी महिला जिसकी बात करें तो वो सरोजनी नायडू थी। उसके बाद अब ये इतने सालों बाद पहला मौका आया है कि उत्तर प्रदेश को एक महिला राज्यपाल मिलेगी। और सबसे बड़ी बात मैं आपको यहाँ पर यह बताना चाहती हूँ सृष्टि, कि अगर हम बीजेपी की बात करें, बीजेपी ऐसी पार्टी है कि अगर आपके अंदर काबिलियत है, अगर आपके अंदर आप इतनी सक्षम हैं, आप अगर एक मेहनती कार्यकर्ता हैं, तो आपको शीर्ष तक पहुंचाने के लिए बीजेपी कोई भी गुरेज नहीं करती है। अगर हम खाली महिलाओं की बात करें तो हमारे सामने बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, चाहे वो स्मृति ईरानी हो, चाहे वो सुषमा स्वराज हो, चाहे वो निर्मला सीतारमन हो, ये ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें पार्टी ने पूरा पूरा मौका दिया है उनकी काबिलियत को आंकते हुए, बहुत ही बड़े बड़े कह सकते हैं जिम्मेदारी उनको दी है, बड़े बड़े मंत्रालय इन महिलाओं ने संभाले हैं। और अगर हम आनंदी बेन की बात करें तो ये काफी वर्षों से बीजेपी से जुड़ी हुई है, अब वो 70 साल की होने हो चुकी है लगभग, और उनको इस उम्र के पड़ाव पर भी उनको इतना बड़ा मौका ऐसा दिया गया है कि वो अब उत्तर प्रदेश की कमान संभालेंगी राज्यपाल के तौर पे। तो चुनौतियां तो बहुत ज्यादा उनके लिए नहीं कही जा सकती, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से मुख्यमंत्री के तौर पर गुजरात की जब वो मुख्यमंत्री रही तो उन्होंने वहां जिस तरीके से विकास कार्य किए वो भी वाकई में सराहनीय है। और अगर हम बात करें गुजरात की, तो गुजरात मॉडल को ही लेकर लगातार बीजेपी अपने आप को पोर्ट्रे करती रही, चाहे हम 2014 की बात करें, चाहे हम उसके आगे की बात करें, कि जिस तरीके से गुजरात में विकास हुआ है उसी मॉडल पर बीजेपी अब जो है देश में विकास करने की योजना बना रही है, देश में उस तरीके का विकास योजनाओं को क्रियान्वयन करना चाहती है। तो ये कहा जा सकता है कि अब आनंदीबेन पटेल के पास भी जिस तरीके का अनुभव है, काफी लंबा उनका अनुभव रहा है, और मुख्यमंत्री के तौर पर भी और राज्यपाल के तौर पर भी, उनको ये पूरी तरीके से मालूम है कि प्रदेश में कौन कौन सी समस्याएं मुख्य होती हैं, किस तरीके से वो अपने शक्ति माफ कीजिएगा किस तरह से अपनी वो शक्तियों का इस्तेमाल कर सकती हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण है उनके लिए भी और उत्तर प्रदेश के लिए भी, किस तरह से अब सरकार उनके साथ मुख्यमंत्री किस तरह से सामंजस्य बिठाकर विकास की ओर ले जाते हैं प्रदेश को। जी स्निग्धा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन सभी जानकारी के लिए। और यहां रुकेंगे एक छोटे